श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता यह है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों जगतों को मोहित करने वाली माया शक्ति उनके जन्म से पहले से ही उनकी सेवा के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता भाग 8। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, श्री कृष्ण की जिस माया शक्ति से सारा जगत मोहित है, आज से नहीं चिरकाल से मोहित है। जिस माया के प्रभाव से कोई भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, अपने आप को नहीं पहचान पाता, तथा देह में अपने घर में आसक्त हो करके उनके करोड़ों जन्म निकल जाते हैं, ऐसी जगन मोहिनी माया, वह भी मायाधीश श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए स्वयं माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेंगी और भगवान की इच्छा के अनुसार मोहन कार्य करके, अर्थात जीवों को मोहित करने का कार्य करके कृष्ण लीला में सहायता करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान विष्णु ने हमसे क्या क्या कहा है। विष्णु माया के कार्य क्या हैं? श्री कृष्ण के आदेश से माया ने श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, ये पहला कार्य। यही बड़ा आश्चर्यजनक है। आप कल्पना करके देखिए, यदि एक बच्चे को एक मां के पेट से निकालकर दूसरी मां के पेट में ले जाना हो और किसी को कानों कान खबर ना हो, ये कार्य कितना असंभव लगता है। तो ऐसा असंभव कार्य करने वाली योग माया भी श्री कृष्ण के अंडर में रहती है, उनके कंट्रोल में रहती है। अभी आप एक मां की गोद से उसके बच्चे को दूसरी मां, दूसरी स्त्री के गोद में दीजिए तो ही बच्चा तहलका मचा देता है, और गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में ले जाना और किसी को कानों कान खबर ना हो। और उस पर भी एक तरफ देवकी कंस की जेल में है, कितना कड़ा पहरा है कंस का, उसको अपनी मृत्यु का भय है उस बालक से, और दूसरी ओर रोहिणी कंस के भय से छुप छुप करके गोकुल गई, वहां जाकर के नंद बाबा के घर में छुप करके रह रही है। एक जेल में है और एक छिपी हुई अवस्था में है। तो जेल में रहने वाली स्त्री के गर्भ से बालक को निकाल करके एक छिपने छिपाने वाली स्त्री रोहिणी के गर्भ में उस बालक को स्थापित करना है और किसी को पता ना चले। और बच्चा कैसा है? बलराम जैसा, बलराम का आकर्षण करना। अरे, भगवान के भक्तों को ही माया आकर्षित नहीं कर पाती, बलराम तो सबसे अग्रगण्य है, उनको आकर्षित करना और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, आज के युग में तो कोई इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के जन्म के समय दूसरा कार्य है योग माया का। श्री कृष्ण के जन्म के समय ब्रजवासी गोप गोपियों को गहन निद्रा के वशीभूत रखना। गहन निद्रा, बिना नींद की गोली लिए, बिना नींद की गोली दिए सारे शहर को गहरी निद्रा में सुला देने का कार्य कौन कर सकता है? योग माया ने ऐसा असंभव कार्य भी कर दिया, फिर भी वह कृष्ण की दासी बनकर के प्रसन्न है। उनकी सेवा के लिए यशोदा की पुत्री बनकर के जन्म ले रही है और श्री कृष्ण के अंडर में रहना पसंद करती है। स्वयं यशोदा की कन्या के रूप में जन्म लेकर मथुरा में आई,
और कंस के हाथ से निकलकर कंस को डांट डपट कर अंतर्ध्यान हो गई। कंस के हाथ से कौन निकल गया? एक अभी नवजात कन्या, पुत्र भी नहीं, कन्या। और कंस जैसे महाबली के हाथ से छिटक गई और कंस को डांट डपट रही है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, और ये कह करके अंतर्ध्यान हो गई। कितने आश्चर्य की बात है, वार्निंग दे रही है कंस को एक नवजात कन्या। तो जो इतनी शक्तिशालिनी है वह महामाया भी भगवान श्री कृष्ण के अंडर में रहती है। भगवद गीता इसका प्रमाण है, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। इसके बाद वो विंध्याचल आदि स्थानों में अनेक रूपों में अनेक नामों से जाकर के विराजमान हो गई। और जो इस विष्णु माया का कार्य है, श्री कृष्ण की रास आदि लीलाओं में भी श्री राधिका एवं प्रेयसी गोपियों के पति, उनके भाई, उनके ससुर, सास, इन सबको मोहित करके श्री कृष्ण लीला में सहायक बनती है। अपने अंतरंग भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों से द्वेष करने वाले कंस आदि असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने विष्णु माया को आदेश दिया, अपनी माया शक्ति को भगवान ने आदेश दिया। यह माया शक्ति श्री कृष्ण के दो प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित हुई, एक योग माया का कार्य और दूसरा जड़ माया का कार्य या महामाया का कार्य। श्री भगवान की एक ही माया शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक उन्मुख मोहिनी, जो भगवान के उन्मुख भक्त हैं उनको मोहित करती हैं, और दूसरी विमुख मोहिनी, जैसे कंस आदि दुर्योधन आदि असुरों को मोहित करने वाली। तो उन्मुख मोहिनी और विमुख मोहिनी, ये दो प्रकार के स्वरूप हैं इस माया के। उन्मुख मोहिनी माया गोकुलेश्वरी है, अंतरंगा शक्ति कहलाती है, योग माया के नाम से प्रसिद्ध है। और विमुख मोहिनी माया अखिलेश्वरी कहलाती है, बहिरंगा शक्ति कहलाती है, या जड़ माया के नाम से प्रसिद्ध है। एक ही माया के इन दो स्वरूपों के द्वारा अप्राकृत और प्राकृत दोनों प्रकार के जगत मोहित रहते हैं, मेटीरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, दोनों इल्यूजन में रहते हैं, मोहित रहते हैं दोनों। उन्मुख मोहिनी माया के क्या कार्य हैं? श्री कृष्ण लीला में भाग लेने वाले जो परिकर हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में, उन पर अनुग्रह करना, उन पर कृपा करना, उनको आनंद प्रदान करना, उन्मुख मोहिनी माया का पहला कार्य। देवकी के सातवें गर्भ बलराम का आकर्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, यह भी उन्मुख मोहिनी माया का कार्य है। और जब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ला रहे थे, उस समय यशोदा आदि गोकुल वासियों को गहरी नींद में सुलाना, यशोदा जैसे शुद्ध भक्तों को, भगवान के परिकरों को गहन निद्रा के वशीभूत करना, यह भी उन्मुख मोहिनी माया का कार्य है। विमुख मोहिनी माया का कार्य क्या है? यया सम्मोहितम जगत, इस जड़ माया के द्वारा ये सारा जगत, सारा मटेरियल वर्ल्ड मोहित रहता है। और श्री कृष्ण के भक्तों से द्वेष करने वाले कंस आदि असुरों की वंचना करना, ये दूसरा कार्य है विमुख मोहिनी माया का। वंचना करना माने ठगना, उनको मूर्ख बनाना, ये भी विमुख मोहिनी माया का कार्य है। अच्छा,
देवकी के सातवें गर्भ को आकर्षित करना और यशोदा मैया को निद्रा के वशीभूत करना योग माया का ही कार्य है। क्यों, कैसे कह सकते हैं आप? उसका कारण यह है कि अपने नियंता श्री बलदेव का आकर्षण करने का सामर्थ्य जड़ माया में तो बिल्कुल नहीं है। जड़ माया भगवान के उन्नत भक्तों को ही आकर्षित नहीं कर पाती, तो बलराम को कहां से आकर्षित करेगी? वो तो आदि गुरु हैं। आदि गुरु को जड़ माया कैसे अट्रैक्ट करेगी? दूसरी बात, माता यशोदा का निद्रा के वशीभूत हो जाना प्राकृत रजोगुण और तमोगुण का कार्य नहीं है। चेतना के अनेक स्तर होते हैं, कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहली अवस्था है गहरी नींद की अवस्था, इसे सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। जब आदमी बहुत गहरी नींद में होता है, स्वप्न भी नहीं देख रहा होता है, उसको बोलते हैं सुषुप्तावस्था। ये कॉन्शियसनेस की पहली स्टेज है। दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, जिसमें आदमी कच्ची नींद में होता है और सपने देखता है। तीसरी अवस्था है चेतना की जागृत अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता रहता है। और चेतना की चौथी अवस्था क्या है, इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय माने चौथी। इसमें व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ईश्वर का निरंतर ध्यान करता है। ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है। तो यशोदा मैया और नंद बाबा और गोप गोपियों की अवस्था क्या है इन चार में से? यशोदा आदि गोपियां तो इन चारों अवस्थाओं से ऊपर प्रेम की अवस्था में स्थित हैं, प्रेममयी अवस्था। इसलिए हरि प्रिया गोपियां कभी भी त्रिगुणमयी माया के रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत होकर गहन निद्रा या स्वप्नावस्था में पड़ जाए, ये संभव ही नहीं है। भगवान के भक्तों में हरिदास ठाकुर 22 घंटे तो जप करते थे, 2 घंटे सोते थे। श्रील प्रभुपाद 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। तो उनको जब माया वशीभूत नहीं कर सकती, तो नंद बाबा यशोदा को कहां से माया सुला देगी इतना? तो ये चारों अवस्थाओं से ऊपर हैं ब्रजवासी भक्त और प्रेम की अवस्था में स्थित हैं। इनके लिए ये संभव नहीं है कि ये तमोगुण में पड़कर सो जाएंगे। तो जड़ माया ऐसे सिद्ध भक्तों पर अपना प्रभाव डालने की ताकत नहीं रखती। रासलीला आदि का संपादन करने के लिए गोपियों के पति, गोपियों के ससुर, उनके आत्मीय जनों को मोहित करना, ये योग माया का कार्य है, ये जड़ माया का कार्य नहीं है। क्योंकि उन आत्मीय जनों में कृष्ण विमुखता नहीं है, वो कृष्ण से विमुख नहीं है, वो भी कृष्ण के भक्त हैं, ब्रिज में वास करते हैं। इतने बड़े बड़े भक्तों के साथ जिनका आत्मीय संबंध है गोपियों के साथ, वो कितने बड़े भक्त होंगे? तो उन पर जड़ माया कैसे अपना प्रभाव दिखाएगी? योग माया का प्रभाव है उन पर। तो जड़ माया के द्वारा मोहित होने के लिए भगवान से विमुख होना जरूरी है। जड़ माया से मोहित होने के लिए भगवान से विमुख होना जरूरी है। लेकिन देवकी की कन्या के जन्म के विषय में कंस को जो मूर्ख बनाया गया, वह जड़ माया का ही कार्य है, न कि योग माया का। कंस जैसे कृष्ण विमुख दुष्टों के लिए योग माया की कोई जरूरत ही नहीं है। वह तो जड़ माया ही थी जो कंस के हाथ से चिटक कर आकाश में उठ गई। दुर्योधन, शाल्व आदि असुरों ने भगवान के ऐश्वर्य को देख करके भी भगवान को पहचाना नहीं।
उन्होंने भगवान के वाहन गरुड़ को देखा। द्वारका से भगवान आते थे तो गरुड़ पर बैठ करके आते और विश्वरूप का दर्शन किया। जब दुर्योधन के पास कृष्ण शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन ने बात नहीं मानी और कृष्ण को अरेस्ट करना चाहा, तो भगवान ने विश्वरूप का दर्शन भी कराया। सभी लोगों ने देखा, परंतु उसको देखने के बाद भी दुर्योधन जैसे असुरों ने कहा कि ये ईश्वर नहीं है, ये तो निर्लज्ज यादव है। इस प्रकार जो भगवान से विमुख हैं, उनको मोहित करने का कार्य जड़ माया का, और जो भगवान के उन्मुख हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें मोहित करने का कार्य योग माया का है। यही वास्तविक सिद्धांत है। लेकिन वात्सल्य के महाप्रेमवान श्री नंद और श्री यशोदा, इनको विश्वरूप दर्शन कराया भगवान ने, अपना ऐश्वर्य दिखाया। नंद बाबा को वरुण लोक का दर्शन कराया। वरुण लोक में नंद बाबा ने देखा कि वरुण देव किस प्रकार से उनके बच्चे कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं, खूब कृष्ण का ऐश्वर्य देखा। लेकिन वो सब देखने के बाद अंत में वात्सल्य भाव की अधिकता रही, और उस अधिकता के कारण ऐश्वर्य ज्ञान के उपस्थित होने पर भी ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं दिया। ये कौन सा मोहन कार्य है, ये कौन सा मोह है? ये योग माया का कार्य है या महामाया का? ये इन दोनों का कार्य नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि महामाया का कार्य हो। और योग माया ने तो ऐश्वर्य दिखाया, परंतु वो ऐश्वर्य भी काम नहीं आया, तो फिर ये है क्या? यह नंद यशोदा के प्रेम का स्वभाव है। ये प्रेम का स्वभाव है जो भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान को ढक देता है, कवर कर देता है उसको। किस चीज को कवर करता है? भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान को आच्छादित कर देता है, और ममता रूपी रस्सी के द्वारा कृष्ण को बांध देता है। और ममता की रस्सी से कृष्ण किसी से बंध जाएं, तो फिर उस जीव को कितना आनंद होता होगा। प्रतिक्षण वह उनके प्रति अत्यधिक स्नेह उत्पन्न कराता है और मधुरता के समुद्र में डुबो देता है भक्त को। आनंद अम्बुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है अपने शुद्ध भक्तों को। यह है प्रेम का स्वभाव। तो श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता यह है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों जगतों को मोहित करने वाली माया शक्ति उनके जन्म से पहले से ही उनकी सेवा के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। माया शक्ति कृष्ण की सेवा के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है कृष्ण के जन्म से पहले से ही। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद।